हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अश्विनी फैंटेसी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज जो हम लोग मैच कवर करने वाले हैं वो होने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। तो दोस्तों, ये मैच काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। दोनों ही टीमें फॉर्म में हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। इंडिया भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है रिसेंटली मैच में, मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और इंग्लैंड भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इंडिया का थोड़ा सा पकड़ा भारी है। इंडिया काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इंडिया में बैट्समैन बहुत अच्छे अपने प्रदर्शन दे रहे हैं, जिसमें से रोहित शर्मा और विराट कोहली को बता दूं तो काफ़ी अच्छी बैटिंग रही है अभी रिसेंटली के मैच में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको जो बताने वाला हूं कि विकेट कीपर आप किसको लें, बैट्समैन के लिए आपके लिए कौन से ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, और ऑलराउंडर में आप किसको लें, और फिर उसके बाद आते हैं बॉलर्स में जो मेन प्लेयर होते हैं दोस्तों, जो आपको ग्रैंड लीग जिताने में बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए 70-75% मदद करते हैं, वो होते हैं बॉलर। तो बॉलर किसको लें और कितने प्लेयर आप इंडिया के ले सकते हैं और कितने प्लेयर आप इंग्लैंड के लें। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिए, बने रहिए वीडियो में। तो और मैं आपको इसमें ये भी बताने वाला कि कौन सा प्लेयर आपके लिए ट्रम्प कार्ड होगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी हो तो भी बताइएगा, ख़राब हो तो भी बताइएगा। लेकिन दरअसल दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं तो आप उठा के देख सकते हैं, मैंने जितने भी ट्रम्प प्लेयर बताए थे उनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, काफ़ी अच्छे पॉइंट मिले हैं। और मैंने आपसे कहा था कि अगर जो आपने मेरे बताए हुए प्लेयर को आप लेंगे तो आपको पॉइंट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं, ये वर्ल्ड कप का मैच नंबर 29 होने वाला है, जो होने वाला है संडे को 29 तारीख को 2 बजे, और ये मैच खेला जाएगा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में, जो कि लखनऊ में है दोस्तों, हमारे ही लखनऊ में। ये स्टेडियम मेरे घर से मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर दूर है, और दोस्तों काफ़ी अच्छा स्टेडियम है। फर्स्ट इनिंग में अगर जो बॉलिंग करता है तो मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर जो इंडिया ने पहले टॉस जीता और इंडिया को टॉस जीती, तो जहाँ तक कि मुझे लगता है अभी तक के सारे मैंने रिसेंटली मैचेस को देखते हुए, मैं आपको बता दूँ, इंडिया टॉस जीतेगी तो बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी कि पहले बॉलिंग करने का, क्योंकि इस पिच पर ज़्यादातर जो जिसने सबसे पहले बॉलिंग करी है वही मैच जीता है। और इस मैच में इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, कम से कम 70% मैच जीतने के चांसेस हैं इंडिया के। तो अब दोस्तों, आइए जानते हैं यहाँ का मौसम के बारे में। तो दोस्तों, 29 तारीख का जो मौसम रहेगा काफ़ी ठीक रहेगा, टेम्परेचर रहेगा 32 डिग्री, और 32 डिग्री ना ज़्यादा गर्मी रहेगी ना ज़्यादा ठंडक रहेगी, काफ़ी अच्छा मौसम रहने वाला है प्लेयर्स के लिए, मतलब कि मैच काफ़ी बिना गर्मी के भी खेलेंगे और काफ़ी मज़ेदार रहेगा ये। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रिसेंटली कुछ एवरेज के बारे में, वेन्यू के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का एवरेज स्कोर, फर्स्ट इनिंग में कितने बैटिंग की तो एवरेज स्कोर रहा है 226, हाईएस्ट स्कोर की बात करते हैं तो फिर 311 हाईएस्ट स्कोर रहा है। लोएस्ट स्कोर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 157 स्कोर रहा है। स्कोरिंग पैटर्न की दोस्तों को जो बात करें तो बिलो स्कोर रहा है 200 रन रहा है, इस पिच पर 2 बार रन बने हैं, और स्कोर बिटवीन 200 एंड 249 के बीच में इस पिच पर 3 बार रन बने हैं, और स्कोर बिटवीन 250 एंड 299 के बीच में सिर्फ 1 बार इस पिच पर रन बना है, और अबव स्कोर की बात करते हैं 300 रन 1 बार इस पिच पर रन बने हैं। तो अब दोस्तों, बात करते हैं इस पिच पर कितने टोटल कितने मैच खेले गए हैं। तो दोस्तों, इस पिच पर टोटल मैच 10 मैच खेले गए हैं। फर्स्ट इनिंग में जिसने बैटिंग करी है तो वो 3 मैच जीता है, और फर्स्ट इनिंग में किसी ने बॉलिंग करी है तो वो 7 मैच जीता है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि ये पिच जो है बॉलर्स के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। फर्स्ट इनिंग में जो बॉलिंग करेगा उसके जीतने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, और फर्स्ट एवरेज का आप स्कोर तो देख ही सकते हैं, मैंने भी अभी आपको ऊपर जस्ट बताया है। अब बात करते हैं दोस्तों टीम कंपैरिजन की। तो दोस्तों, टीम कंपैरिजन क्या कोई आप लोग देख ही सकते हैं, बेस्ट 2 साल के अभी रिसेंटली का मैं डाटा आपको दिखा रहा हूँ, ये इसमें पांच पांच मैं मैचों का दिखा रहा हूँ, जिसमें 5 मैच इंडिया ने खेले हैं, 5 मैच इंग्लैंड ने खेले हैं, 5 मैच इंडिया ने जीते हैं, इंग्लैंड सिर्फ 1 मैच जीता है, 4 मैच हारा है। तो अब दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट 5 ODI मैचेस के बारे में जो रिसेंटली अभी खेला है इंग्लैंड ने।
तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लास्ट रिसेंटली मैचेस के बारे में, तो इंग्लैंड ने पाँच मैच खेले हैं जिसमें से सिर्फ चार मैच वो हारी और सिर्फ एक ही मैच वो जीती है। जैसे कि आप देख सकते हैं श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में जो मैच हुआ था तो उसमें इंग्लैंड हार गई थी, सिर्फ एक मैच इंग्लैंड जीती जो बांग्लादेश से, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था उसमें, और सिर्फ एक ही मैच जीती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया के रिसेंटली के ओडीआई मैचेस के बारे में। दोस्तों देख सकते हैं इंडिया के लास्ट ओडीआई मैचेस के बारे में, पांच मैच इंडिया ने खेले हैं, पांचों मैच इंडिया ने जीते हैं। आप लोग देख सकते हैं इससे पता चलता है इंडिया का काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहता है। तो अब दोस्तों 2 साल का डाटा मैं आपको पिछले के कुछ रिसेंटली मैच में आपको दिखाता हूँ उसमें से इंडिया ने कितने मैच जीते हैं। तो दोस्तों ये पाँच मैचेस हैं जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेले गए हैं पिछले दो साल में जो खेले गए। मैं सिर्फ आपको पांच मैचेस दिखा रहा हूँ जिसमें से इंडिया ने 3 मैच जीते हैं और इंग्लैंड ने सिर्फ 2 मैच जीते हैं। आप देख सकते हैं इसमें इंडिया का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था, पिछले मैच मैंने जो देखे थे काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इंडियन पॉसिबल प्लेइंग की टीम के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये हो सकती है इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग टीम जिसमें आपको नज़र आएंगे रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, एस यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों इसमें आपको दिखेंगे रोहित शर्मा फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए शुभम गिल के साथ, और फिर उसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, उसके बाद सारे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लैंड पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम के बारे में जिसमें आपको नज़र आएंगे डेविड मलन, जॉनी बेयरस्टोन, जे रूट, बेन स्टोक्स, जे बटलर, लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली, क्रिस वॉकेस, डेविड विलियर, आदिल राशिद, मार्क वुड। तो दोस्तों ये होगी इंग्लैंड पॉसिबल प्लेइंग टीम के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं प्लेयर्स के स्टेट्स के बारे में कि किस प्लेयर का प्रदर्शन पिछले कुछ मैचों में कैसा था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रोहित शर्मा के एकदम ही खतरनाक आजकल के फॉर्म में है रोहित शर्मा। रिसेंटली कुछ मैचों में 46, 48, 86, 131 रन और 0 रन पे अभी आउट हो गए थे। हेड टू हेड की बात करें तो फिर 19 मैचों में 637 रन बनाए हैं और एवरेज रहा है 45 का। तो दोस्तों रोहित शर्मा को आप लोग ज़रूर लीजिएगा अपनी टीम में, इनको हो सके तो वाइस कैप्टन बनाइएगा। मैं तो अभी वाइस कैप्टन इनको बनाने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों मेरी जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो जा कर के आपने अभी अगर जो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जा कर के फ़ौरन ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं शुभम गिल के बारे में। शुभम गिल ने रिसेंटली मैचेस में जैसा कि आप देख सकते हैं 26 रन, 53 रन, 16 रन, 104 और 74 हेड टू हेड की तो नहीं, और वेन्यू की बात करें तो एक मैच में 3 रन पे 3 का एवरेज इनका रहा है। तो शुभम गिल को भी आप अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा, मैं तो शुभम गिल को लेने वाला हूँ, लेकिन मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। तो दोस्तों विराट कोहली की अब हम लोग बात करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है विराट कोहली का और अभी भी काफ़ी फॉर्म में है विराट कोहली। तो रिसेंटली मैचेस में आप देख सकते हैं 95 रन, शतक लगाया 103, 16, 55, 85। तो विराट कोहली को भी मैं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाना है, रोहित शर्मा को या फिर विराट कोहली को, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में। और क्यों बनाना है विराट कोहली को कैप्टन या वाइस कैप्टन क्यों, या फिर रोहित शर्मा को कैप्टन या वाइस कैप्टन क्यों। और चलिए मैं आपको बताता हूँ श्रेयस अय्यर के बारे में। तो दोस्तों श्रेयस अय्यर का कुछ रिसेंटली मैचेस में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं देख सकते हैं आप, 33 रन, 19 रन, 53 रन, 25 रन। हेड टू हेड की बात करें तो 2 मैचेस में 6 रन बनाए, 6 का एवरेज रहा है। अगर चाहें तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं इनको अपनी टीम में नहीं रखने वाला हूं। और दोस्तों एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बता देता हूं, आपको इंग्लैंड के सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेयर लेने हैं, बाकी 8 प्लेयर आपको इंडिया से ही चूज़ करने हैं, क्योंकि पॉइंट जो आपको मिलने वाले हैं मेगा लीग जीतने में जो मदद करने वाले हैं वो आपको इसमें से ही, इंडिया के प्लेयर में से ही आपको दिखेंगे। इंग्लैंड का सिर्फ 3 प्लेयर जरूर आप लीजिएगा, ज़्यादा प्लेयर मत लीजिएगा, चाहे तो आप 4 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ 3 प्लेयर इंग्लैंड के लेने वाला हूँ। और वो 3 प्लेयर कौन से होने वाले हैं अभी मैं बताने वाला हूँ वीडियो में आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं केएल राहुल की। तो दोस्तों केएल राहुल को तो फिर आप देख सकते हैं रिसेंटली मैचेस में कुछ ठीक प्रदर्शन नहीं था, और लेकिन 1-2 मैचेस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया केएल राहुल ने, 27 रन, 34 रन, 19 रन, 97 रन, 26 रन। हेड टू हेड की बात करें तो 9 मैचेस में 210 रन दिया है, काफ़ी ठीक इनका था। एवरेज की बात करें तो 30 है।
दोस्तों केएल राहुल को हम लोग विकेट कीपर मैं तो अपना लेने वाला हूँ, लेकिन विकेट कीपर मैं इंडिया की टीम से केएल राहुल को रखने वाला हूँ। और सूर्य कुमार यादव की बात करूँ तो इनका कुछ रिसेंटली ठीक नहीं, मैं तो इनको मैच में अपनी टीम में नहीं रखने वाला हूँ, चाहे तो आप अपनी टीम में रख सकते हैं। अब बात करते हैं रविंद्र जडेजा के बारे में। तो दोस्तों रविंद्र जडेजा का भी रिसेंटली कुछ मैचेस में आप लोग देख ही सकते हैं, 25 मैचेस में इन्होंने 501 रन बनाए हैं, 38 विकेट लिए हैं, इनका भी ठीक ठाक काफ़ी प्रदर्शन है, चाहे तो इनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मोहम्मद शमी की। रिसेंटली मैचेस में मोहम्मद शमी का काफ़ी तगड़ी बॉलिंग रही है, जैसा कि अभी आप लोगों ने मैच देखा होगा तो आपको पता भी होगा काफ़ी अच्छे इन्होंने विकेट लिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं रिसेंटली में 5 विकेट 1 विकेट 5 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, तो बॉलिंग में आप लोग इनको ज़रूर लीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे कुछ प्लेयर्स के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों कुलदीप यादव के बारे में। कुलदीप यादव के 6 मैचों में अभी देख सकते हैं 10 विकेट इन्होंने लिए हैं, ठीक प्रदर्शन नहीं था, 2 विकेट रिसेंटली मैचेस में, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। अब बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में। दोस्तों जसप्रीत बुमराह काफ़ी अच्छे बॉलर हैं ये, इनको अपनी टीम में आप लोग ज़रूर रखिएगा, मिस मत करिएगा इनको, जैसा कि रिसेंटली मैचेस में आप देख सकते हैं 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो 6 मैचेस में 14 विकेट उन्होंने लिए हैं बुमराह ने। अब बात करते हैं दोस्तों मोहम्मद सिराज के बारे में। मोहम्मद सिराज का आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो इनका भी प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं था, चाहे तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, चाहे तो आप नहीं, लेकिन दोस्तों मैं तो मोहम्मद सिराज को अपनी टीम में रखने वाला हूँ। अभी आपको फिर देखिएगा, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में इनका ठीक नहीं था, लेकिन इस बार मोहम्मद सिराज अपनी पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। रिसेंटली कुछ इंजरी हो गई थी जिसके कारण हार्दिक पांड्या मैच नहीं खेल पाए थे। अभी भी दोस्तों पक्का नहीं हार्दिक पांड्या की ये मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो हार्दिक पांड्या की दोस्तों मैं बात ही नहीं करता हूँ, इनको भी हो सके तो अपनी टीम में लीजिएगा भी नहीं आप लोग, क्योंकि कोई कन्फर्म नहीं कि हार्दिक पांड्या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं ईशान किशन के बारे में। तो दोस्तों ईशान किशन की जगह मैंने राहुल को ले लिया है, तो विकेट कीपर की जगह, तो इनको मैं ड्रॉप करता हूं। अब बात करते हैं शार्दुल ठाकुर की। दोस्तों इनको भी मैं रिसेंटली मैचेस का इनका कुछ प्रदर्शन ठीक नहीं था, तो इनको भी मैं ड्रॉप कर रहा हूं। अब बात करते हैं अश्विन के बारे में। तो दोस्तों इनको भी मैं ड्रॉप कर रहा हूं, चाहे तो आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं, रिसेंटली मैचेस में कुछ ठीक नहीं था और कन्फर्म भी नहीं कि अभी अश्विन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इंग्लैंड की टीम के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लैंड की टीम के बारे में, तो जिसमें आप देख सकते हैं जॉनी बेयरस्टो के दोस्तों काफ़ी अच्छे विकेट कीपर हैं, इनको आप लोग अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा, मैंने तो इनको अपनी टीम में ज़रूर लिया है। जैसा कि मैंने बताया इंग्लैंड से सिर्फ आपको 4 या 3 प्लेयर लेना है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो टर्म प्लेयर कौन से होने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रिसेंटली मैचेस में 30 रन 10 रन 2 रन 52 रन 33 रन 34 रन 17 मैचेस में, हेड टू हेड की बात करें तो 17 मैचेस में 627 रन दिए हैं, 41 का एवरेज रहा है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे विकेट कीपर हैं, तो इनको आप लोग अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा, और काफ़ी अच्छे बल्लेबाज भी हैं ये। तो अब बात करते हैं डेविड मलन की। दोस्तों काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं ये डेविड मलन, इनको भी आप लोग अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा, मैं तो इनको अपनी टीम में रखने वाला हूँ। जिसे रिसेंटली में कोई देख सकते हैं ठीक ठाक ही प्रदर्शन रहा है, लेकिन हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस बार ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन पारी खेल सकते हैं। हेड टू हेड की बात करें तो 2 मैचेस में आप देख सकते हैं 66 रन इन्होंने दिया, 66 का एवरेज रहा है। अब बात करते हैं जॉय रूट की। तो रिसेंटली मैचेस में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इनका प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं था, 3 रन 2 रन 11 रन 82 रन 87 77 रन 29 रन। तो हेड टू हेड की बात करें तो 21 मैचों में 739 रन इन्होंने बनाए हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं बेन स्टोक के बारे में। तो रिसेंटली मैचेस में आप लोग देख सकते हैं 43 रन 5 रन 1 रन 52 रन 27 रन 21 रन। हेड टू हेड की बात करें तो 20 मैचेस में 522 रन इन्होंने बनाए हैं और 34 का एवरेज रहा है, 13 विकेट इन्होंने लिए हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे के प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब बात करते हैं जोस बटलर की। जोस बटलर में रिसेंटली कुछ मैचेस में इनकी प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं रहा, 8 रन 15 रन 9 रन 20 रन 43 रन 36 रन। तो हो सकता है ये इस मैच में अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो आप लोग चाहें तो अपनी टीम में इनको रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं तो इनको अपनी टीम में नहीं रखने वाला हूं। तो अब बात करते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लियाम लिविंगस्टोन के बारे में बात करते हैं, तो इनका भी प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं था, तो मैं इनको अपनी टीम में नहीं रखने वाला हूं। अब बात करते हैं मोइन अली के बारे में। तो दोस्तों मोइन अली काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं ये
काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं मोइन अली। तो दोस्तों लेकिन रिसेंटली कुछ मैचेस में इनका प्रदर्शन ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं इनको अपनी टीम में नहीं रखने वाला हूँ। अब बात करते हैं शैम करन के बारे में। दोस्तों शैम करन का भी रिसेंटली कुछ मैचेस में इनका प्रदर्शन ठीक नहीं है, तो मैं भी इनको इस टीम में अपनी टीम में नहीं रखने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों आप लोग इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, मेरी जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अगर जो आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जा करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरी फाइनल टीम आपको मैच 2 बजे स्टार्ट होगा और 1:30 पे टॉस से 10 मिनट पहले आपको मेरी फाइनल टीम मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको एक बात इसमें और बता देता हूँ, एक टीम लेकर के ये मत सोचिएगा कि आप मेगा लीग जीत जाएंगे। कम से कम मेगा लीग अगर जो आपको जीतना है तो लोग यहाँ पे 10-10, 15-15 टीम लेते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा टीमें नहीं लेना है, ज़्यादा पैसा नहीं बर्बाद करना है अपना। इतना पैसा लगाइए कि वो आप ना हारिए और ना ही ज़्यादा जो है ज़्यादा हारिए नहीं, आप बराबर रहें, नहीं जीत रहे हैं तो फिर हारिए भी नहीं। तो कम से कम सिर्फ टीम मैं आपको बता दूँ, सिर्फ 3 टीम लीजिएगा आप लोग। मेरी फाइनल टीम मैं आपको दिखा दूंगा और इसमें भी मैं भी आपको एक टीम दिखा दूंगा। मैं खुद यहाँ पे 3 से 5 टीम लेने वाला हूँ, तो मेरी 3 से 5 टीम वो कौन सी होगी आगे भी वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं आदिल राशिद के बारे में। दोस्तों काफ़ी अच्छे बॉलर हैं आदिल राशिद, तो आप लोग इनको अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा। काफ़ी अच्छे बॉलर हैं ये, और रिसेंटली में आप लोग देख भी सकते हैं 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 8 विकेट में इन्होंने 9 विकेट, 8 मैचेस में 9 विकेट इन्होंने लिए हैं। तो मैं तो इनको अपनी टीम में रखने वाला हूँ, तो आप लोग भी इनको अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं एटकिंसन के बारे में। तो ये भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं ये, और रिसेंटली मैचेस में इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, तो आप चाहें तो इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। अब बात करते हैं मार्क वुड के बारे में। तो दोस्तों मार्क वुड के बारे में हम लोग बात करते हैं, देख सकते हैं रिसेंटली कुछ इनका प्रदर्शन ठीक नहीं है। 0 विकेट, 43 रन, 0 विकेट, 18 रन, 2 विकेट, 6 हेड टू हेड की बात करें तो 6 मैचेस में इन्होंने सिर्फ 7 विकेट लिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रीज टॉपली के बारे में। तो रिसेंटली मैचेस में इनका प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा है, 3 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो 5 मैचेस में इन्होंने 12 विकेट लिए हैं दोस्तों, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये अभी मैच में खेलने वाले हैं या नहीं खेलने वाले हैं, लेकिन ये प्लेयर बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है। तो दोस्तों मेरी फाइनल टीम मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये होने वाली है मेरी फाइनल टीम अभी और रिसेंटली, और एकदम जो फाइनल टीम वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ये मैं सिर्फ अभी मेरी प्रेडिक्शन टीम मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। विकेट कीपर में मैंने जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जे ब्रेस टो को लिया है, और इनका भी मैंने आपको बताया कि मैंने इनको क्यों लिया, क्योंकि काफ़ी अच्छे विकेट कीपर हैं ये। और मैंने विकेट 2 विकेट कीपर लिया है, केएल राहुल को भी लिया है मैंने। केएल राहुल का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ मैचेस में। और बैटर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 बैटर्स को लिया है, जिसमें आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली, जे रूट और डी मलन आपको दिखेंगे। 2 बैटर्स मैंने इंडिया के लिए हैं और 2 बैटर्स मैंने इंग्लैंड के लिए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये चारों ही बैटर्स बहुत ही खतरनाक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कैप्टन इसमें विराट कोहली को बनाया है, और विराट कोहली को जिसमें आपने पिछले मैच में देखा है शतक मारने की पूरी कोशिश करी, लेकिन 95 रन पर आउट हो गए हैं विराट कोहली, शतक पूरा नहीं हुआ। इसका दुख तो मुझे भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस मैच में विराट कोहली का शतक ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली की आप प्लेइंग देख सकते हैं कितनी खतरनाक है, और रोहित शर्मा की भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने कैप्टन विराट कोहली को बनाया है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑलराउंडर की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऑलराउंडर में मैंने सिर्फ रविंद्र जडेजा को लिया है। रविंद्र जडेजा को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि रविंद्र जडेजा का ऑलराउंडर में काफ़ी ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ मैचेस में। आप चाहे तो ऑलराउंडर में 1-2 प्लेयर को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि ऑलराउंडर में अगर जो आप प्लेयर बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ऑलराउंडर में सिर्फ 2 प्लेयर रखिएगा। दोस्तों बॉलर्स आप लोग देख सकते हैं मैंने 4 बॉलर्स लिए हैं। दोस्तों आप लोग इसमें आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर करी होगी जो मैंने अभी पहले ही बताया, मैंने सिर्फ इंग्लैंड के 4 प्लेयर लिया है, और जो रिसेंट की जो मेरी जो लास्ट फाइनल टीम होगी उसमें हो सकता है कि मैं इंग्लैंड के सिर्फ 3 ही प्लेयर लूँ और इनमें से 1 प्लेयर को मैं ड्रॉप कर दूँ, और मैंने इंडिया के 8 हो सकता है मैं 8 प्लेयर लूँ। अभी तो खैर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इंडिया के 7 प्लेयर लिए हैं, लेकिन हो सकता है कि मैंने आपको बताया था हार्दिक पांड्या, हो सकता है अगर जो हार्दिक पांड्या खेलते हैं तो मेरा हार्दिक पांड्या मेरा ऑप्शन ज़रूर रहेंगे। तो बॉलर्स में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने राशिद को लिया है, शमी को लिया है, बुमराह को लिया है, केएल यादव को लिया है। तो ये चारों बॉलर ही काफ़ी ख़तरनाक हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रिसेंट मैच में आपने देखा होगा तो काफ़ी अच्छा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी अच्छा रिसेंटली मैचेस में मोहम्मद शमी ने भी लिया, बुमराह ने भी लिया, कुलदीप यादव ने भी लिया विकेट काफ़ी अच्छे, और राशिद ने भी काफ़ी अच्छे विकेट लिया। तो दोस्तों ये होने वाली है मेरी
प्रडिक्शन टीम। और अगर जो आपको मेरी फाइनल टीम देखना है तो मेरे जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो दोस्तों कैसी लगी है तो इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों मेरी जो प्रडिक्शन रहती है वो मेरी कम से कम 80 से 85% मेरी प्रडिक्शन काफ़ी सही रहती है। अगर जो आपको यकीन ना हो तो मेरी पिछली वीडियो आप उठा करके देख लीजिएगा और रिसेंटली जो मैचेस हुए उसमें आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया है सिर्फ एक दो प्लेयर को छोड़ करके बाकी सारे जो जो मैंने प्लेयर बताया है, ट्रम्प प्लेयर बताया, वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है। तो दोस्तों मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, अगर जो आप मेरी कहीं टीम पर लेते हैं तो फिर आपको ये इतना मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि आप पैसे हारेंगे, लॉस में आप नहीं रहेंगे। अगर जो मेगा लीग आप नहीं जीत सकते हैं, लेकिन मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि आप लॉस में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए।